आप रिकॉर्ड कर रहे हैं सेशन? आप रिकॉर्ड कर लीजिए यस सेशन ऑल्ट आर करके। तो सबसे पहले हम आज एक्सेल में हम आपको बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट वगैरह नहीं पढ़ाने वाला हूँ एक्सेल में, क्योंकि ऑलरेडी आपको बेसिक आता है, लेकिन कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि जाननी चाहिए, वो चीजें हम आपसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा एक्सेल में होता है सिलेक्शन मेथड, हाउ कैन सिलेक्ट द डेटा। देखिए आप डेटा सिलेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ के कुछ और ये होते हैं डीपली, एक कुछ शॉर्टकट्स इजी वे भी होते हैं, क्योंकि हर किसी को पता नहीं होता है। और क्या होता है कि अगर आपके पास डेटा काफी बड़ा हो तो सबसे ज्यादा टाइम उसको सिलेक्ट करने में जाता है, और बिना सिलेक्ट किए हुए आप कुछ भी चीज अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे वो आपको कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, फिल्टर लगाना हो, पिवट लगाना हो, चार्ट लगाना हो, एनीथिंग, कोई भी ऑप्शन आप अप्लाई करना चाहते हैं, नीड टू सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का मेथड आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपके सामने एक डेटा है जो आपको दिखा है, आपको मुझे इस डेटा को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए आप जैसे कि जो दो चीजें हैं, माउस की हम बात करें तो माउस क्लिक रखते हुए नीचे की तरफ आके सिलेक्ट कर लेते हैं। माउस ही कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में क्लिक करें और शिफ्ट प्रेस करके सबसे लास्ट में क्लिक कर ले, आपको यहां से क्लिक होल्ड करते हुए नीचे आने की जरूरत नहीं है। हम कंट्रोल ए कर देते हैं, कंट्रोल ये नहीं बताता हूँ, सब चीज बता रहा हूँ, हर 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 में कुछ कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सलूशन आपको दूंगा, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ नीचे आ सकते हैं, राइट। अब जैसे आपने बोला कि कीबोर्ड की सिलेक्शन की बात करें, तो शिफ्ट के साथ अपने आप एरो की इस्तेमाल करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल है, बीट बात कर रहे हैं, एक एक करना। अब बात करते हैं कंट्रोल ए की, जो कि आपने बोला कंट्रोल ए। सबसे पहले जानते हैं कि कंट्रोल ए आखिर किस ऑप्शन को ट्रिगर करता है। जैसे आप कॉपी करते हो तो ऊपर मेनू बार में है ना कॉपी, ये कंट्रोल ए किसको करता है, जिसकी लास्ट टाइम आई थिंक बताया होगा आपको मैंने, गो टू स्पेशल में करेंट रीजन, राइट। अब करेंट रीजन मतलब कि जितना एरिया आपने यूज किया है आपका कंटिन्यूस रीजन है वो आपको सिलेक्ट करे। इट मीन्स कि अगर आपके डेटा में बिल्कुल ब्लैंक हुआ, ब्लैंक दिख रहा है, अब मैं कंट्रोल ए करूंगा तो ऊपर के एरिया ही सिलेक्ट करेगा, नीचे का एरिया सिलेक्ट नहीं करेगा, समझे? प्रॉब्लम समझ में आ गई सर? हाँ हाँ, इसमें ज्यादा ब्लैंक है तो नहीं सिलेक्ट करेगा। हाँ, ब्लैंक मतलब पूरा ब्लैंक, अगर बीच में किसी जगह एक जगह भी लिखा हुआ है ना सर, तब तब हो जाएगा, तो सब हो जाएगा। तो ये रो पे भी वर्क करता है और कॉलम पे, कॉलम भी आपका अगर ब्लैंक है तो आपका ब्लैंक नहीं, कोई एक सिलसिले तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हमने पूरी रो ब्लैंक कर दी, पूरी कॉलम ब्लैंक कर दी, उसको पहले सिलेक्ट होगा। अगर आपके पास ब्लैंक नहीं है लेकिन आपका डेटा यहाँ पे है, कुछ अनवांटेड डेटा इसके साइड में दिया हुआ है, कैसे ये डेटा भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि माउस से अगर सिलेक्शन करते हैं तो आप यहां से क्लिक कीजिए, शिफ्ट के साथ यहां पूरा एरिया आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब कंट्रोल ए आप दो बार प्रेस कर देंगे तो पूरा सीट सिलेक्ट होगा, एक बार प्रेस करते हैं तो क्या होगा आपका करेंट रीजन, सेकेंड टाइम प्रेस करते हैं तो पूरी सीट सिलेक्ट होगी। हालांकि पूरी सीट सिलेक्ट करने के लिए माउस आपका माउस से एक ट्रायंगल जो दिख रहा है इस पे भी क्लिक करके पूरी सीट पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन से पहले बात करते हैं, आपके सामने कीबोर्ड में देखेंगे आपके पास होम और एंड दो की होगा। अब इस चीज को जानते हैं कि होम क्या होता है, एंड क्या होता है। अगर मैंने होम पे क्लिक किया तो ये होम पे, एंड की बात करूं अगर एंड पे क्लिक करके एंटर प्रेस किया, एंड मोड करते ही सबसे लास्ट में चला जाएगा, एंड की प्रेस किया और जिस जिस रो में है आप उस रो के सबसे लास्ट वाले डेटा पे चला जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सबसे लास्ट तो पी है, फिर एस पे क्यों गया, तो लास्ट यूज्ड सेल की बात हो रही है यहाँ पे, लास्ट यूज्ड सेल।
तो अभी अभी आपके सामने मैंने यहाँ पे दो तीन जगहों पे एक कुछ करेक्टर लिख दिया था, तो एक कॉलम क्या हो गया, यूज हो गया। तो जब हम इसको कंट्रोल के साथ सॉरी एंड दबा के जब एंटर प्रेस करेंगे, सबसे लास्ट क्या दबा के, एंड एंड ए एन डी एंड कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड के अंदर देखिए ना एंड की होगा, अब मैं अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कर्सर रखा है और मैंने कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस किया तो सबसे लास्ट में आ जाऊंगा, और यही पे मैं अगर होम पे क्लिक करता हूं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हूं, मैं होम पे क्लिक कर दिया तो इस रो के स्टार्टिंग वाले पोजीशन पे आ जाऊंगा, लेकिन अगर मैं लास्ट में हूं अब कंट्रोल होम प्रेस किया तो सबसे ऊपर आ जाऊंगा। तो मैं कर्सर मूव कर रहा हूं ना सर, मुझे तो सिलेक्शन करनी है, तो आप कर्सर के साथ एंड कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करके होम करेंगे ऊपर तक सिलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ होम एंड करेंगे तो नीचे तक आपका सिलेक्ट हो जाएगा। नीचे वाला कैसे होगा सर? देखिए मैं स्टार्टिंग में कर्सर रखा, कंट्रोल शिफ्ट एंड की प्रेस किया, ए एन डी वाला एंड सिलेक्ट हो गया। और अगर मैं लास्ट में आ रखा हूं और यहां पे कर्सर रख के कंट्रोल शिफ्ट होम करूंगा तो ऊपर तक सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें कोई ब्लैंक सेल हुआ या ब्लैंक कॉलम हुआ तो इससे आई थिंक इसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ नहीं पड़ता, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, बिल्कुल। अब बात करते हैं हम कर्सर को मूव करने की, कर्सर मूव करने की, तो एरो की से तो मूव करते ही है ना, लेकिन कंट्रोल के साथ अगर करते हैं तो सबसे लास्ट में चला आ जाता है सर। हाँ लेकिन इसमें अगर ब्लैंक हुआ तो, ब्लैंक ना हुआ तो, अगर मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे ब्लैंक है, अब मैं यहां से कंट्रोल एंड करूंगा तो क्या होता है, कंट्रोल एंड सीरीज को फॉलो करता है, जैसे फिल सीरीज खत्म हुआ आपका कर्सर भी वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, जैसे ब्लैंक सीरीज खत्म हुआ तो आपका कर्सर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम है कि मेरे पास जो है तकरीबन 30-35,000 रो का डेटा है जिसमें कम से कम 1,000-1,500 टाइम्स ब्लैंक रो है या ब्लैंक सेल है, मुझे सबसे लास्ट पे पहुंचना है, हाउ कैन, तो एंड वाला कर सकता हूं, लेकिन क्या ये मेरे पास 200 कॉलम है तो मैं जिस कॉलम में चाहूँ उसी के सबसे लास्ट आना चाहता हूँ, और एंड के साथ जाऊंगा तो 200 कॉलम लास्ट में 200 कॉलम पे भेज देगा, फिर वापस 200 कॉलम फिर आना पड़ेगा। तो उस केस में यहाँ नेम बॉक्स आपको दिख रहा है, इस नेम बॉक्स पे आप ए को प्रेस, ए 65,000 या 10,00,000 एक बड़ा फिगर यहाँ पे डाल दीजिए, डालते ही उस कॉलम के सबसे लास्ट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और फिर मैं कंट्रोल के साथ अप एरो यूज करूंगा तो मैं अपने लास्ट डेटा पे पहुंच जाऊंगा, इसके ऊपर कितना ये ब्लैंक हो सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं। और यही मेथड हम वीवीए में भी इंप्लीमेंट करती है जो हमें लास्ट डेटा पे पहुंचना होता है, समझे, हम डेटा का एक बार अंदाजा लगा लेते हैं कि डेटा कहां तक आ सकता है, जैसे मान लीजिए मैं ऑटोमेशन कर रहे हैं तो हमें पता है कि मैं डेटा एवरेज 50,000 तक रहता है, ये एवरेज 5,00,000 तक रहता है या 4,00,000 तक रहता है, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे एक नंबर डालूंगा, नंबर डालते मुझे नेम बॉक्स में क्या होता है कि यहाँ जो सेल का एड्रेस डालेंगे आपका कर्सर उसी सेल पे जंप कर जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 65,000 डाला तो मेरा कर्सर 65,000 पे जंप कर गया। अब मुझे यहाँ से ऊपर जाना है सबसे लास्ट में, तो हमें बताया कि कंट्रोल के साथ जो हम एरो की यूज करते हैं वो सीरीज को मैनेज करता है, तो जहां तक उसको ब्लैंक मिलेगा वहां तक स्किप करके जहां उसको मिलेगा फिर मिलेगा वो वहीं पे जाके रुक जाएगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर। तो यहां पे हम पहुंच जाएंगे, जब यहां पे पहुंच गए तो
उसके आगे कुछ भी कर सकते हैं। तो अब अगर आपको मान लीजिए फिल नहीं है और जितना आप जो है अपना सीक्वेंस डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है कर्सर रखिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की एंड डाउन एरो की। हाँ जी, हाँ जी, बट ध्यान रखिएगा इसमें डेटा आपका ब्लैंक नहीं, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। हाँ। अब बात करते हैं मल्टीपल सेल्स सिलेक्शंस की, कि मल्टीपल सेल्स को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। तो मल्टीपल सेल्स के लिए आप कंट्रोल प्रेस करके जहां मर्जी वहां पे क्लिक करो, राइट। लेकिन ध्यान रखिएगा जब क्लिक करते हैं तो सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए वर्क करता है, इसको कॉपी नहीं कर सकता। बट मुझे डेटा कॉपी भी करना है तो उस केस में आपको सीक्वेंस मैनेज करना पड़ेगा। जैसे आपने एक कॉलम में सिलेक्ट किया इस तरह से, अब मैं कॉपी कर सकता हूं। लेकिन मान लीजिए कि मैं एक कॉलम में तीन को सिलेक्ट किया और सी कॉलम में मान लीजिए मैंने दो को किया तो कॉपी नहीं कर पाया, मुझे डी कॉलम में भी तीन ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है, देन मैं कॉपी कर पाऊंगा। तो ये होता है मल्टी सेल सिलेक्शन का बात। तो मल्टी सेल सिलेक्शन में क्या हम सीट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं? जैसे मेरे पास एक साथ कई सारी सीट्स, अब मुझे मान लीजिए कि डेट हर सीट पे डेट डालनी है, ठीक है। तो आप जनरली लोग क्या करते हैं, खाए तो एक एक सीट पे जाके डेट डालते हैं, या आप एक पे डाल के कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। यहां पे मैं शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले सीट पे सिलेक्ट करूंगा, तो मेरा पूरा का पूरा सीट सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर में देखिए नाम ग्रुप आ गया। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए कि हमने अपना डेट डाल दिया, डेट जो भी टाइप कर रहा हूं। अब ये सिर्फ एक सीट पे नहीं हो रहा है, ये हर सीट पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है सर? हाँ जी सही। लेकिन इसमें क्या है कि हर सीट पे जो अप्लाई हुआ सेम लोकेशन, ऐसा नहीं कि आप सीट वन पे कहीं और कर रहे हैं सीट टू पे कहीं और कर रहे, तो आपको कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा, उसके लिए फिर दूसरा सुनना नहीं। सही है, तो हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो ऑप्शन हमारा आता है वो आता है कि ये तो सारे सीट पे हुआ, लेकिन मान लीजिए मुझे कुछ सिलेक्टेड सीट पे ही करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास 50 सीटें हैं, अब कुछ 10 या 15 सिलेक्टेड सीट पे करना चाहते हैं, तो उस केस में आप शिफ्ट को नहीं कंट्रोल को प्रेस करें। सेम ही तरीका है जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं, जैसे कि सिंगल शीट पे भी सेम ही करते हैं, सिंपल, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया आपको? हाँ जी, हाँ जी, सही आ गया। अच्छा, अभी अभी मैंने बहुत सारे शॉर्टकट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस किया। हाँ, आप सोच रहे होंगे ये शॉर्टकट्स याद करने पड़ेंगे, कहीं मुझे इसकी लिस्ट मिल जाए तो बेटर रहता ना सर। मेरे को ये सब चीजें याद है क्योंकि मैं ये यूज करता रहता था, मतलब करता ही मुझे पता ही है। मतलब मुझे वैसे सही कह रहे हो आप कि जिसको अगर बिल्कुल न्यूली कोई भी बच्चा होगा, मैं भी अगर जब भी नया था तो मुझे भी कंट्रोल ये याद था, कंट्रोल शिफ्ट एरो दबाना है, ये दबाना है, नहीं याद थी मेरे को, लेकिन बस यूज करते करते मुझे याद हो गई। लेकिन सही कह रहे हो आप। हाँ, तो जैसे कि आपको अब बात कर रहा हूँ एक्सेल को हेल्प यूज करना, एक्सेल हेल्प यूज करना सीख लीजिए, भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है किसी ऑप्शन के बारे में हमें पता नहीं होती है, किसी भी ऑप्शन के बारे में, तो किसी भी ऑप्शन के बारे में जब पता हमें नहीं होती है तब क्या करें इस केस में? मैंने किया नहीं, फिर भी हेल्प यूज करेंगे, हेल्प यूज करेंगे। नहीं, जनरली तो लोग गूगल पे जाते हैं ना सर। मैं तो गूगल ही जाता हूँ, सही बात है। जनरली तो लोग गूगल पे जाते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी गूगल पे जाता हूँ। जनरली लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाके सर्च करते हैं। बट क्या होता है गूगल पे जो चीजें दी गई है वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रूफ रीड नहीं है। वहां पे हम जैसे आप जैसे लोगों ने आर्टिकल एंड वेबसाइट के थ्रू डाल रखा है, कोई प्रूफ रीड नहीं है कि सही है, बिना 100% सही है नहीं।
अप्लाई अप्लाई हो गया तो सही, या नहीं अप्लाई हुआ तो नहीं सही। लेकिन एक्सेल हेल्प में दी गई चीजें 100% प्रूफ रीड है। जैसे मान लीजिए मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको पढ़ाया, आप भूल गए, बस इस पे कर्सर रखते हैं, इसके बारे में एक शॉर्ट नोट्स आपको आ जाएगा। हाँ जी, अब आपको इसके बारे में ज्यादा चाहिए तो टेल मी मोर, या इसी के ऊपर कर्सर रख के F1 प्रेस कर दीजिए तो आपको एक्सेल हेल्प टूलकिट आ जाएगा। बट इसके इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि 2013 के बाद जितने भी एक्सेल के वर्जन है सबके हेल्प ऑनलाइन है। ओके, अब देखिए यहाँ पे पूरी तरह से समझाया हुआ है, साथ में वीडियो भी दिया हुआ है और यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से निकला हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए मुझे लिमिटेशन पता करनी है कि आखिर एक्सेल की हर फीचर की लिमिट क्या है, तो इस सर्च में आइए, इसमें आप सर्च भी कर सकते हैं, आप लिमिट सर्च कर सर्च, जैसे गूगल पे सर्च रिजल्ट आता है ऐसे यहाँ भी सर्च रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे ये रहा आपका डेटा मॉडल एक्सेल फिगर्स एंड लिमिट्स, ये आपकी एक्सेल की मैक्सिमम लिमिट किस फीचर की क्या है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें ओपन वर्कबुक, मतलब कि आप जो है एट ए टाइम कितने फाइल खोल सकते हैं। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग अनलिमिटेड यूज करते हैं अनलिमिटेड वर्क, लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी कंप्यूटर में अनलिमिटेड जैसा कुछ होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि तो जैसे मैंने यहाँ एक सेल के ऊपर ए लिखा तो कुछ ना कुछ स्पेस जो है मेरे हार्ड डिस्क में इसने कैप्चर किया हुआ है। ओके, यस। तो अगर हम एक फाइल ओपन करेंगे तो कुछ ना कुछ स्पेस हमारे मेमोरी में कैप्चर करेगा। अभी तक कोई ऐसी मेमोरी बनी नहीं है जो कि अनलिमिटेड हो, हर मेमोरी की एक लिमिटेशन है। बिल्कुल, तो लिमिटेशन है, इसका मतलब कभी ना कभी फुल तो होगा। सो कभी भी आप अनलिमिटेड वर्ड इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, बोलेगा लिमिट इज नॉट डिफाइंड, डिपेंड सिस्टम कैपेसिटी। सेम सीट पे भी है कि आप कितने नंबर ऑफ सीट इंसर्ट कर सकते हैं, इसका भी कोई लिमिट डिफाइंड नहीं है। ठीक है, टोटल रो एंड कॉलम देखो, बाहर भी देख सकते हैं कॉलम की विड्थ कितनी बड़ी विड्थ हो सकती है, रो की हाइट कितनी हो सकती है, कितने पेज ब्रेक जो होते हैं। यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक सेल में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं। अब कुछ लोग उससे पूछते हैं कि सर मैं इफ का फॉर्मूला लगा रहा हूं और इफ के फॉर्मूले में मैं कितना इफ और लगा सकता हूं, समझे? अब कुछ महानुभाव लोग बोलते हैं कि 256, मैं बोलता हूं ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है फॉर्मूले की इसके कैरेक्टर्स पे। तो अगर फॉर्मूले के कैरेक्टर्स टोटल कैरेक्टर्स अगर अगर 32,767 हो गया तो आपका फॉर्मूला रिजल्ट देना बंद कर देगा, और मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने क्या किया था, एक फॉर्मूला अप्लाई किया था, जो भी नंबर डालते थे उस नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता था, 1, 5, 3, 2 ऐसे कैरेक्टर। तो मैंने उसके लिए मॉडलिंग की थी, उसे में रीडी प्रोग्रामिंग बहुत कम आता, तो मेरा फॉर्मूला बिल्कुल वर्क कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी हिंदी में लास्ट हमें मिलियंस भी नहीं होता है, बिलियंस भी नहीं होता है, ट्रिलियन भी से भी ऊपर होता है हमारे, हाँ जी, अरब अरब खरब पद्दुम नील खरब नील। तो इसलिए मैं पूरा किया था उसको बनाना बनाया था, उस समय सर लर्निंग पीरियड थी समझिए एक तरह से, एक्सेल हमने उसमें 3-4 साल यूज किया हुआ था, हर चीज को सीखना चाहता था, तो मेरा फॉर्मूला परफेक्ट वर्क कर रहा था, फिर रिजल्ट नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैं कैटेगरी डिलीट करता था तो फॉर्मूला वर्क कर जाता था, तो मैं उसके लेके बहुत परेशान रहा। फिर मैंने गूगल बाबा की सहायता ली, तो गूगल बाबा ने बताया कि लिमिट जो है 32,000 तक होती है, फिर जाके मैंने लिमिट में सर्च किया तो पता चला वो 32,700। तो ये जो लिमिट्स है कमलदीप जी, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं इसको अब ऐसा नहीं करता कि इसको आप जैसे बचपन में हम लोग वर्ड मीनिंग याद करते थे उस तरह से याद नहीं करनी है, नहीं नहीं वो याद होगा भी नहीं,
हाँ बट एक केजुअली एक बार पढ़ लीजिएगा ना, तो क्या होता है इसके कॉलम क्या है, क्या फर्क होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप वीबीए प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं, वीबीए प्रोग्रामिंग में आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ एक्सेल में डलवाना है, आपके रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट, जैसे रिमार्क्स देखिए, रिमार्क्स होता है, पैराग्राफ होते हैं, हाँ तो आपको एक बड़ा सा कॉलम चाहिए। तो आपने बोला बड़ा कॉलम लेना है, तो आपने रिपोर्ट क्या डाल दिया, रेंज कॉलम विड्थ इक्वल टू 500। पर प्रॉब्लम ये है कि कॉलम की विड्थ की मैक्सिमम जो साइज है 255 करेक्टर ही, बट आपने अपने हिसाब से 500 डाल दिया, समझे। सही है। उसमें क्या होगा कि आपका प्रॉब्लम एरर देगा, तो वहां पे आपको अगर रिमाइंड आएगा कि यार इसके करेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकती, कुछ लिमिट है इसका, तो आप थोड़ा लिमिट चेक कर लेंगे या फिर उसको कम करके देखेंगे। सही तो इसलिए एक बार इस लिमिटेशन को आप केजुअली पढ़ लीजिएगा। नाना कैसे है पता चल गया आपको, F1 हाँ रेस जी। कीजिए, लिमिट को सर्च कर। अब लिमिट्स के बाद हम शॉर्टकट्स की बात करते हैं कि शॉर्टकट कैसे लाएं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है शॉर्टकट क्यों जरूरत है। देखिए हर ऑप्शन जो भी आप यूज करते हैं शॉर्टकट से या माउस से, हर किसी का एक शॉर्टकट हो, जब आपने इसमें कॉपी किया इसका शॉर्टकट कंट्रोल सी है, ताकि आप पूरा काम शॉर्टकट, पूरा काम अपना शॉर्टकट से ही करते हो, मोस्टली काम, पूरा काम तो नहीं हो सकता, मोस्टली काम अगर कीबोर्ड से करते हो तो माउस की अपेक्षा आपका स्पीड 30% तक बढ़ जाती है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है और इस चीज को मैं भी एग्री करता हूं। हाँ, राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल कॉपी करेंगे, इधर कंट्रोल सी हालांकि करेंगे। दूसरा एक और तरीका है जिसकी आपको उसकी जरूरत, आपको उसकी हर जरूरत नहीं, जरूरत होती है जो इंटरव्यू में देने जाते हैं उसको। जैसे मान लीजिए कि आप इंटरव्यू में गए, टेक्निकल टेस्ट पे बैठे और सामने वाला बंदा ने आपको काम दिया, और काम को खटाखट इस तरह की कीबोर्ड की आवाज आ रही है, तो सामने वाला बंदा इम्प्रेस हो जाता है कि यार इसके पास कोई शॉर्टकट है, बहुत अच्छा कमांड है, तो एक पॉजिटिव थिंग निकल जाती है। तो हाँ ऑब्वियसली। ये लोग उनके लिए होता है जो इंटरव्यू वगैरह देते हैं उनके लिए। आजकल तो फिर भी थोड़ा सा एक्सेल आउटडेटेड हो गई है, लोग थोड़ा कम यूज करते हैं उसको, क्योंकि सर्वर्स आ गए हैं अभी, तो एसक्यूएल आ गया है। मतलब नहीं एक्सेल तो फिर भी यूज होता ही है सर, बगैर एक्सेल, हाँ पहले एक्सेल की डिपेंडेंसी हट गई है, पहले हर चीज हम एक्सेल पे डिपेंड करते थे, बट अब क्या है कि हम क्रिटिकल वर्क कोई जो मेरे सर्वर पे नहीं हो सकता उसी को करते हैं सर। सही कह रहे। ठीक है, पहले छोटे मोटे, जैसे पहले क्या था कि अब एक कंपनी अपना पूरा का पूरा अटेंडेंस, पूरा का पूरा सैलरी, हर चीज एक्सेल में मेंटेन कर लेती थी, हाँ जी, अब उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर उनको मिल गए हैं, हाँ यही हुआ। लेकिन फिर भी वो अटेंडेंस बनाने के लिए इसके यूज करेंगे, उनको रिपोर्ट्स में बाकी निकालने के लिए एक्सेल यूज करेंगे ना। मतलब आने तो चाहिए। चलिए तो आप शॉर्टकट को सर्च करेंगे तो यहाँ पे कीवर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल क्लिक करेंगे या एमएस ऑफिस क्लिक करें, जो भी आपको जरूरत हो, यहाँ पे देखिए सारे शॉर्टकट के लिस्ट आ गए। अब इसको जो है इसको याद रखना या इसको आपको भी इसको याद करना ही, लेकिन इसको याद करने के लिए आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि आपने कंट्रोल सी पर कॉपी ऐसे याद करो कितने होगा, ये आपको आपके इस पे एक फिंगर पे याद होना चाहिए। जैसे आप कंट्रोल सी करने के लिए कीबोर्ड पर नहीं देखते हो, आपका हाथ ऑटोमेटिक कंट्रोल सी पे चला जाता है, आपका हाथ ऑटोमेटिक एंटर पे चला जाता है, क्यों, क्योंकि आप इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सही कैसे इसको इंप्लीमेंट करें तो मैं बाकी सबको सलाह देता हूँ या आपको भी सलाह देता हूँ, आपके ऑफिस का कुछ ऐसा टाइम होगा जहां पे आपके पास काम कम होगा या काम की डेडलाइन नहीं होगी कि मुझे शाम तक ही भेजना है, ठीक ऐसे है। समय में आप जो है बिल्कुल माउस का प्रयोग ना करें, सारा काम एक्सेल से करें। शुरुआती टाइम में आपका धीरे धीरे जो होगा कि धीरे चलेगा, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी और 2 घंटा पूरा ऑफिस आवर में बदल जाएगा। ठीक है, सही। अब बात करते हैं कि बाकी तो ऑल्ट की से आप जानते ही ये चीज है कि ऑल्ट की से मेनू बार में जाया जा सकता है, हाँ ये फीचर से आपको पता ही है, ये चीजें भी आप इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। नहीं। अब बात करते हैं कि जैसे आप तो जैसे एक्सेल से फैमिलियर हो जानते हैं, लेकिन कुछ
कुछ ऐसे लोग भी है जिनको ये आइडिया नहीं होता कि आखिर एक्सेल से किस किस तरह की चीजें बनाई जा सकती है। तो उनको हम क्या करते हैं, यहाँ न्यू के ऊपर टेम्पलेट्स को स्टडी करने के लिए बोलते हैं। टेम्पलेट्स मतलब ये आपको इसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स के फॉर्मेट्स हैं जिससे आपको आइडिया मिलता है कि आफ्टर द लर्निंग हम लोग किस किस तरह की चीजें बना सकते हैं। जैसे ये देख लीजिए ना, प्रोजेक्ट प्लान एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फॉर्मूले से बनाया गया प्रोजेक्ट प्लानर जो कि एमएस प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एक सॉफ्टवेयर है, उसी की तरह इसे यूज करता है। डीजीओ वगैरह सॉफ्टवेयर है, उसी को यही शो कर रहा है। ऐसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग से बनाया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर में फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया। ठीक है सर, आपके पास अगर टाइम है तो आप भी इस चीज को कर सकते हैं। आप भी न्यू पे जाके टेम्पलेट्स को एक बार एक्सप्लोर करेंगे तो आपको भी आइडिया मिल जाएगा। अब आगे क्लासेस में हम क्या है, मेनू के हिसाब से चलेंगे। कुछ चार पांच क्लास आपको थोड़ी सी बेसिक होगी, लेकिन उन बेसिक पे भी आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं वो बेसिक को भी कवर कर रहा हूँ ताकि आपको जो है जो चीजें पता ना हो पता चल जाए, उसकी प्रैक्टिस कर लें। रिकॉर्डिंग आपके पास सेव हो ही रही है तो प्रैक्टिस के समय आपको रिकॉर्डिंग आपको हेल्प करेगा ही करेगा। और कोशिश कीजिए इन चीजों को अपने ऑफिस में इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, आपने अगर जो चीज पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब कि आपने अपना टाइम और पैसा दोनों वसूल कर दिया। ठीक है, अगली टॉपिक हम फाइल मेनू बार, होम मेनू बार, लेकिन थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे। हाँ स्पीडली चलेंगे, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक आपने जो भी मेरे को बताया है ना, ये मुझे पता थे और मैं इनका यूज करता ही हूँ। ठीक है, कुछ 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 बातें होंगी जो जैसे कि हेल्प हो गया, मैंने यूज करता नहीं करता था। और ये जो न्यू वाली बात बताइए ना, अपने होम में जाके न्यू काफी सारे कंप्लेंट्स है, मैंने कभी स्टडी नहीं की। जैसे मान लीजिए आपको, मान लीजिए बिल बनाना है, अब आपको बिल का फॉर्मेट आपका आइडिया नहीं है कैसा होता है, या फिर आपको उतना टाइम नहीं है बनाने का, आप यहाँ पे बिल सेलेक्ट कर, सॉरी फाइल ओपन हो गए, नहीं वो आ गए, नहीं वो फाइल ओपन हो गई है यहाँ से, अच्छा, न्यू पे यहाँ बिल सर्च करें, सर्च या इनवाइस सर्च करें, बहुत सारे इनवाइसेस के फॉर्मेट दिख रहा है आपको, सेलेक्ट करके डाउनलोड करना है। डाउनलोड करते क्या होगा, आपको आ जाएगा, आप अपना चीजें चेंज करो, इनवॉइस आएगा। ठीक है, ये चीजें आप अपने ऑफिस में आसानी से कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अच्छी चीज है। जैसे आप टैल बैलेंस में कहा, कभी कभी क्या होता है कि हमें आउट ऑफ फील्ड से कुछ रिपोर्ट, कुछ सैंपल्स बनाने की जरूरत। जैसे मैं ट्रेडिंग कोऑर्डिनेटर था और मुझे बोला कि यार एडमिन का एक परचेज ऑर्डर बना दो, हम कुछ चीजें परचेज कर रहे हैं, एक परचेज ऑर्डर निकाल। मैं कभी अकाउंट में काम किया नहीं, यार परचेज ऑर्डर कैसे निकलता है। हमें गया वहां पे परचेज ऑर्डर सर्च किया, मुझे एक फॉर्मेट मिल गया, बना दे दिया, ठीक है, अच्छा ऐसे ही होता है। तो डिजाइन करने की एक तो होता है दो चीजें, एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस तरह की चीजें होती है, तो आप क्या करेंगे अपने हिसाब से उसी के हिसाब से बनाना शुरू करते हैं, या फिर आपको पूरा एक फॉर्मेट मिल जाता है जिसमें अपनी अपनी जो भी चीजें चेंजिंग कीजिए और उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, हाँ ये भी ऑप्शन सही है। तो ठीक है सर, कल